आपकी तो अर्जी लगी हुई है ना पंडित जी? एक ही लगी है। हाँ, दूसरी पूछिए। दूसरी, आपने हॉस्पिटल बोला था पर हम उस बार आपसे हॉस्पिटल का नाम नहीं पूछ पाए, बच्ची की हालत बहुत ठीक है पंडित जी। और कोई बात नहीं, और गरीब आदमी है पंडित जी, पति का ऑपरेशन हुआ, अभी पैसे बिल्कुल भी नहीं बच्ची के इलाज के लिए, आप कृपा कीजिए। आपने हैदराबाद बोला था पर हॉस्पिटल का नाम नहीं बताया था। अच्छा, हॉस्पिटल का नाम नहीं बताया था, इसीलिए हमने आपको बुला लिया। ठीक, और कोई बात? आप कब गई थी धाम? पाँच तारीख को गए थे हम लोग। अच्छा जी, 5 को आप गई थी, आपका पर्चा बन गया था, अर्जी लग गई थी, बच्ची को दवा के लिए कहा था गुरुजी ने कि दवाई करवानी पड़ेगी, मतलब डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा जी। तो आपको हॉस्पिटल का नाम और चाहिए जी। और कोई बात? पंडित जी, हम लोग बहुत गरीब आदमी, पति का एक्सीडेंट हुआ है, बहुत परेशान है बच्ची के इलाज के लिए, और वहाँ से वहाँ तो पैसा भी लगेगा। कोशिश करेंगे पर आप हमें हॉस्पिटल का नाम बताइए, और हम लोग जब से वापस आए जब से वो ना बोल रही है ना कुछ खा पा रही है। का बच्ची जी? अच्छा, तो उसे भीड़ भाड़ से बचा करके रखें, आप भीड़ में ले जाते हैं उसे, वो बहुत ज़्यादा वो हो जाती है ना जी। वो क्या बोलते हैं, घबराना, प्रेशर, हाँ प्रेशर दिमाग में, डॉक्टर ने भी यही कहा होगा जी, और जी। कोई कारण नहीं है उसको, वो दिमाग का प्रेशर बिल्कुल भी नहीं झेल पाती, इसलिए हमने आपको तुरंत बीच से बुला लिया है कि आप इसको तुरंत लेकर के जाएं। इसमें 2 हॉस्पिटलों के नाम हमने लिख दिए हैं, धन की दिक्कत के लिए अभी हमें विचार करने दें गुरुजी से, और हम मार्गदर्शन लेते हैं, फिर भी 2 हॉस्पिटल के नाम हैं। आप अपना पर्चा पहला वाला पढ़िए। बेटी बीमार है, गंभीर हालत है, ब्रेन ट्यूमर हुआ है, प्रतिबंधनी नहीं, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, सफल होगा, आशीर्वाद है। यही है, अब नज़दीक आ जाइए। पूर्व में अर्जी लग चुकी, शरीर सुन्नपन है, ट्यूमर के कारण है, नसें भी मुड़ रही हैं, वर्तमान में परेशान, हॉस्पिटल का नाम आप पूछने आए हैं, हॉस्पिटल उसके लिए 2 हैं, आप जो है हो सके तो हैदराबाद में ऑपरेशन करवाने जाएं, तो वहां पर 1 शंकर हॉस्पिटल है, शंकर में भी आप करवा सकते हैं, वहां ना जा पाएं तो आप लखनऊ PGI चले जाएं, वहां भी बच्ची का शुभ लाभ, बढ़िया ऑपरेशन होगा, व्यवस्था ठीक होगी। इसके नहीं तो बाद फिर आप गुजरात में अहमदाबाद जाएं, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की जय, बालाजी महाराज की जय, सन्यासी बाबा की जय। अहमदाबाद में एक अनुराग हॉस्पिटल है जी। उस हॉस्पिटल में भी आप जो है करवा सकते हैं, पर श्रेष्ठ आप पूछें जहां आपका कम पैसा लगना है, वो आप लखनऊ PGI जाएं, वहां आपका कम पैसा भी लगेगा और बच्ची को जल्दी लाभ भी होगा। वहां पर डॉक्टर हर्ष मिश्रा से आप दवा, मेडिसिन व मार्गदर्शन लें, आशीर्वाद। बोलिए सच्चे दरबार की, हनुमान जी महाराज की। पूरी बात समझ आ गई, अब कोई संदेह नहीं। और इसके बाद हजारी जी कहाँ गए? 10,000 रुपया कौन डाले? 5 तुम दो, निकालो, हमें पता नहीं, तो कहाँ के हो, यजमान हो ना कथा में, पहले ही ले आओ हमारी दक्षिणा, बाद में नहीं हमें चाहने, नहीं तो कथा नहीं तो मैं हम सुना रहे। तुम्हारे पास 5 हैं, 5,000 रुपया आप दो, 5,000 रुपया लाओ, हैं लाओ, तुम भी दे रहे लाओ, हमें धन्यवाद। हो गई व्यवस्था, 12:30, 12:05, 17, ये तुम्हारी बच्ची के लिए धाम की तरफ से। बोली बालाजी सरकार की, सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान की। जाओ, तुम्हारी ऑपरेशन की व्यवस्था हो गई, 20,000 हो गए तुम्हारे, ऐसी दरबार की अर्जी ना देखी हुई है, करो तदान और लो। बोलिए जय जय श्री राम।
जा दूं। तो आप कहां से हो, माइक से बोलिए। बाकी लोग सभी लोग हटा से ही हैं। कहां से हैं? चंडी जी वार्ड। हटा चंडी जी बाई से हैं, मतलब जहां बैठे हैं वहीं से हैं, जौनोई के महाराज के छतरपुर की आए। ये हटा नगर की ही हैं, चंडी बाई की ही हैं। ये ऑपरेशन की व्यवस्था इसके आगे बाकी आप। जय श्री राम, बोले सच्चे दरबार की। 50,000 हो गए, 50,000 पहुंच गए। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। रोइए मत, एक बार धन्यवाद जरूर दे दो माता साहब, एक बार धन्यवाद दे जरूर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बेटी के लिए, जिसने भी हमारी मदद की है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।